क्यों व्यक्ति के सामने जो ये समस्याएं हैं और जिन समस्याओं का समाधान व्यक्ति सदा ढूंढता रहा है, यह समस्या है दुख की समस्या। और दुख की समस्या का एक कारण यह है कि वह व्यक्ति जो है एक ऐसे घेरे में घिरा हुआ है कि जिसे छोड़ करके उससे अलग हो पाना, उससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं। और उसके लिए मानस ने भी व्याख्या की गई, हमारे पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में उसके अनेक रूपों में व्याख्या की गई। पर यह कहा गया कि मनुष्य की बाध्यता यह है कि फिरे ही सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चारों ओर से व्यक्ति एक ओर काल से घिरा हुआ है, दूसरी ओर कर्म से, तीसरी ओर स्वभाव से और चौथी ओर गुण से। और व्यक्ति सर्वदा उस घेरे को तोड़ने की चेष्टा करता है, उससे निकलने की चेष्टा करता है। अनादिकाल से वह यह प्रयत्न कर रहा है। और उन घेरों में भी जो सबसे कठिन घेरा है और जिस पर व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सका, वह काल का घेरा। स्वभाव गुण और कर्म की समस्याएं हैं, लेकिन काल की जो समस्या है वो तो आज तक काल का समाधान, काल को नष्ट करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं। रामायण में भी यह बात कहा गया, काल महादुर्ज क्रम भारी, अंड कटाह अमित लयकारी, काल महादुर्ज क्रम भारी। उसका अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं। तब अब उस काल के घेरे के साथ उसके समाधान योग मार्ग में भी देने का प्रयास किया गया। वेदांत मार्ग वेदांत में भी का उसकी कोई न कोई ऐसी दर्शन की व्याख्या की। और भक्तों ने भी काल को लेकर के अनेक सूत्र, अनेक भावनाएं प्रकट की। व्यवहार में तो व्यक्ति जब यह मान लेता है कि काल तो मृत्यु तो अनिवार्य है, तो काल के अनेक रूप है। ऐसा नहीं है कि काल का भयानक ही रूप, कई बार काल का वह रूप होता है कि जो व्यक्ति को बड़ा प्रिय प्रतीत होता है, बड़ा आकर्षक लगता है। पर वह रूप जो जीवन में व्यक्ति के आता है, मृत्यु के रूप में लगता है कि इस काल पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया है, यह संभव। तब उसका समाधान आपको श्रीमद् भागवत में, रामायण में, अन्य ग्रंथों में देने का प्रयास किया गया है। और उस सभी समाधानों को आपके संस्कार जैसे हो, आप उस प्रकार के उत्तर के द्वारा अपने को संतुष्ट करते कर सकते। वेदांत ने तो यह बताने का जो स्वरूप उन्होंने बताया कि वस्तुतः व्यक्ति जब अपने को शरीर मान लेता है, तभी वो काल के वजह से भयभीत होता है, क्योंकि शरीर का विनाश ही काल कर सकता है। पर व्यक्ति अगर अपने स्वरूप को जान ले कि वह तो अंश है, ईश्वर अंश और ईश्वर अंश है, तो शरीर भले ही नाशमान हो पर वह अविनाशी है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानो वेदांत की मान्यता है कि हमने शरीर को ही स्वयं अपने मैं का परिचायक मान लिया है, इसीलिए हम काल के भय से डरते हैं। पर अगर हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो काल का भय कहां पर है। और गीता में भी जब भगवान यह कहते हैं कि शरीर तो क्या, उसमें तो अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है, पर यह जो आत्म तत्व है, ईश्वर का अंश है, उसके लिए भगवान का वाक्य आप जानते हैं, नैनम छिन्नंति शस्त्राणि, नैनम धाति पावकः, न चैनम क्रेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो मानो आत्मा न जलाई जा सकती है, न काटा जा सकता है, न उसकी मृत्यु होती है। तो वेदांत ही कहते हैं कि अपने को शरीर मान करके ही हम इतना भय से आक्रांत है, हमें शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। और जो कर्म सिद्धांत है वो यह मान के चलता है कि वस्तुतः यह तो मनुष्य का जो जन्म है वो अनेक अनेक जन्मों से उसके कर्म का परिणाम भोगों को भोगने के लिए का वो जन्म लेता है, और जन्म के पश्चात फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये तो अनिवार्य है, और जो है सो उसको हम क्या कर सकते हैं।
भक्तों ने उसको बड़ा रसमय बनाने का प्रयास किया। भक्तों की वाणी में, संतों की वाणी में आप एक दूसरे रूप का परिचय पाते हैं। कबीर का वह दोहा आपने सुना होगा, मानो उसमें संकेत किया गया कि ऐसा लगा, कबीरदास जी को लगा कि अंतिम क्षण आ गया, तो बड़े प्रसन्न से दिखाई पड़े। शिष्यों ने पूछ दिया, बहुत प्रसन्न है, कोई आनंद का विशेष समाचार मिला है? तो उन्होंने यही कहा कि राम भगवान ने बुलाया भेजा है। और तब उनका कथन यही था कि जिस जा मरने से जग जरे सो मेरे आनंद, केवल कब मरी हो कब देखी हो पूर्ण परमानंद। जैसे मित्र से मिलने जाए तो क्या डर लगता है क्या? तो ईश्वर तो हमारा आराध्य है, हमारा मित्र है, हमारा प्रिय है। मृत्यु तो मानो उसके पास जाने का एक आमंत्रण है, इसलिए उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। रामायण में भी मानीच के प्रसंग में आप यही पाते हैं कि मानीच इतना प्रसन्न होकर के तब जा रहा है जब उसे ज्ञात है कि श्री राम के बाण से उसकी मृत्यु होने वाली। या बाली के प्रसंग में आप पाते हैं, बाली पर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और उसके पश्चात बाली के सामने जाके खड़े हो गए। बाली से भगवान राम का वार्तालाप हुआ और अंत में बाली अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगता है प्रभु से, प्रभु मैंने बड़ी ढिठाई किया, मैंने अभिमान बस आपसे तर्क वितर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं आपने यह कहा कि आपने मुझे क्यों छुप करके मारा, मैंने एक आरोप आप पर लगा दिया, आपने मुझे बता दिया कि सचमुच यह सब मैं अपने को ही धोखा देता रहा, आपने छिप करके मुझे मारा ही नहीं, क्योंकि जब तारा के मुख से मुझे ज्ञात हो चुका था कि आप अवतार हैं तो छिपने का प्रश्न कहा। मानो वह मेरा अभिमान था। एक हमारी एक धारणा थी, हमने झूठ मूठ में आप पर भी आरोप लगा दिया कि आपने छिप करके मारा। आपने ये कहा कि तेरा चरित्र ऐसा है कि इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हुआ हूं तो तुमने जो पाप किया है उसका यह दंड मैंने तुम्हें दिया। बाली ने अंत में निरुत्तर होकर के भी एक ऐसा उत्तर दिया कि जिसको सुनकर के भगवान के आंखों में जिस करुणा का, जिस कोमल भावना का उदय हुआ, वो स्वामी जी कहते हैं सुनो राम, बाली कहता सुनो राम, स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु क्या सचमुच अब भी मैं पापी हूं क्या? जब ये कहते हैं आपके तो पापी है इसलिए मैंने मारा, तो पहले था कि अब हूं? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके सन्मुख होते ही जीव के जन्म को नाशे तब ही, तो क्या मेरा पाप इतना प्रबल है कि आपके सम्मुख पहुंच जाने पर भी वह नष्ट नहीं हुआ? उन्होंने वाली का यह निवेदन सुना और सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश परसा निज पानी। बाली के मस्तक पर उन्होंने अपना करकमल रख दिया और सिर पर हाथ ही नहीं रख दिया। आपने कहा मैं ही चाहता हूं अचल करो तो न राखो प्राण, मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो, तुम्हारा शरीर बना रहे। कितनी बड़ी आश्वासन की बात है। मृत्यु के भय से भगवान कहते हैं तुम्हारी मृत्यु के लिए मैंने भले ही बाण चला पर मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। लेकिन कितना मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया है कि उसने कहा कि प्रभु आपने कहा था कि मैं अभिमानी, तो आपने कृपा करके मेरा अभिमान तो नष्ट कर दिया, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि तुम जीवित रहो तो मुझे लगता है कि शायद आपने ये देख लिया होगा कि इसमें अभिमान का कुछ भाग है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। क्यों? मेरे रामायण की शब्दावली क्या है? मुन यानी अति अभिमान बस, प्रभु कहू राखु शरीर ही। महाराज आपका दर्शन होने के बाद जन्म जन्म मुनि जितन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं, अभ्यास करते हुए अंतिम समय में आपका नाम भी स्मरण करना कठिन हो जाता है,
और सोई लोचन गोचर ममय आवा, आज वो स्वयं मेरे सामने है। और जब आप कहते हैं कि तुम शरीर की रक्षा करो, तो मैं इतना बड़ा मूर्ख तो नहीं हूं। ऐसे कौन सठाहठ काट सुरतन बारी करी बबूल रही, बबूल का कांटेदार वृक्ष जो है वो कल्पतरु की रक्षा के लिए बना हुआ है। अगर कोई कल्पतरु को काट करके बबूल के वृक्ष की रक्षा करे तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन होगा। कितना शरीर से वो मोह से मुक्त हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा कि एक क्षण में वाली जो था वो ममता और अहमता, जिसको मुक्ति से मुक्त के लिए आवश्यक मानते हैं, मैं और मेरापन, उससे कैसी बढ़िया मुक्ति उसने पा लिया। मेरेपन के रूप में उसका पुत्र बाली अंगद था, मेरा बेटा है, बड़ी सबसे बड़ी ममता है। पहला कार्य तो उसने ये किया, प्रभु ने कहा कि तुम जीवित रहो। तो बाली ने कहा कि मेरा पुत्र तो उस रूप में जीवित रह करके वह सौभाग्य प्राप्त करेगा जो मैंने नहीं पाया, आपकी सेवा करेगा। लेकिन मुझे तो आप अब इस शरीर के रखने के लिए न कहे। और एक प्रेम से उसने अंगद का हाथ लेकर के प्रभु से कहा, प्रभु आप कृपा करके अंगद के हाथों को पकड़ लीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं, वाली ने यही प्रभु से कहा, क्या यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही वाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। कैसे ममता का सदुपयोग था। जब बाले ने अंगद से कहा, अंगद से वो कह सकता है कि अंगद तुम प्रभु के चरणों को पकड़ो। किसी कोई बड़ा व्यक्ति हो तो आप अपने घर परिवार के अपने पुत्र से कहते हैं चरण पकड़ो, पर अंगद से चरण न पकड़ने के लिए कह करके जब उसने ये कहा कि महाराज आप हाथ पकड़ लीजिए, गई वहां, तो उसकी भावना यही थी कि जीव तो आपके चरण पकड़ के भी कभी छोड़ सकता है, पर अगर आप किसी का हाथ पकड़ ले तो कभी फिर तो उसके छूटने की संभावना नहीं। मानो अपनी ममता को श्री राम के हाथों में सौंप दिया। आज तक मेरा पुत्र था और उस नाते से मेरा ममत्व था, आज से मैंने दिया। और जो अहम था शरीर से इतना मुक्त कि जब वो शरीर छोड़ने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल की तन त्याग। और उस समय उसकी मनस्थिति कैसी थी कि जैसे किसी हाथी को फूल की माला पहना दी गई हो और माला धागे से बने हुए टूट गई, माला गिर गई, तो क्या हाथी को प्रतीत होगा कि मेरे गले की माला कहीं खो गई। मानो गोस्वामी कहते हैं कि बा राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिके ने तनु त्याग, सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाक। तो उसका अभिप्राय यह है कि मृत्यु भय से कैसे मुक्त हुआ जाता है। उसका संकेत बाली के प्रसंग में है, गिरिराज जटायु के प्रसंग में। और मृत्यु पर साक्षात विजय का जो एक अपवाद, कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा गया कि वह तो कभी उनकी मृत्यु होती नहीं। तो उन पात्रों में से आप परिचित होंगे, आप पढ़ते हैं रामायण, तो भुसुंडी जी के लिए कहा गया कि भुसुंडी जी जो है वो 27 कल्प से, जब गरुड जी ने पूछा कि आप इस सुमेरु पर्वत पर कब से निवास करते हैं, तो उन्होंने ये कहा, सुन यहाँ बसत मुनि सुन खग ईसा बीते कल्प 7 और वीसा। तो एक बड़ा आश्चर्य हुआ गरुड जी को और यही प्रश्न किया कि तुम्हें व्यापत काल अति कराल कारण कौन, काल तो दुर्तिक्रम है, आपको काल क्यों नहीं ग्रसित कर पाया। और आपको यदि आपके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कालोमस जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम शरीर का त्याग नहीं करना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो तजल तल नहीं इच्छा मरना, कभी कभी व्यक्ति चाहता है। भीष्म पितामह को भी यह वरदान प्राप्त था कि जब ये चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, तभी से ही छूटेगा। और सबसे अधिक अगर दुर्योधन के मन में कोई विश्वास था तो यही था कि मेरे सेनापति तो पितामह भीष्म है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है,
और जब उनकी मृत्यु ही नहीं होगी तो पांडव कैसे हमें हरा सकते हैं। बस वहीं पर दुर्योधन का गणित गलत निकला। यही सही, यह सही था क्योंकि भीष्म को यह वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का, पर दुर्योधन ने इस सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि इच्छा मृत्यु का वरदान तो भीष्म को प्राप्त है पर इच्छा कराने वाला तो सामने बैठा हुआ। भगवान जब चाहते हैं वैसी इच्छा उत्पन्न कर देते हैं और ये हुआ। पर उन्होंने ये कहा कि मुझे वरदान होते हुए भी मैं शरीर को रखना चाहता हूं। क्यों? उनका पक्ष भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या तजन मुझे इच्छा मरना तम दिन वेद भजन नहीं भरना, मेरे शरीर के द्वारा ही तो भजन होता है, तो मैंने नहीं चाहता कि मेरा शरीर नष्ट हो और मैं निरंतर उस शरीर को भगवान के इस कार्य में उनके नाम जप में कथा में ध्यान में मानस पूजा में लगाता हूं। तो मानो ऐसे प्रसंग आपको भिन्न भिन्न प्रसंगों में मिलेंगे कि या तो आप काल के भय से मुक्त हो जाए या सचमुच आप काल की स्थिति से ऊपर उठ जाए, पर वह तो एक अपवाद मानो कुछ गिने चुने पात्र ही ऐसे हो सकते हैं। अथवा वेदांत के समान अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए या भक्तों के समान यह प्रतीत हो कि हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। यह समानो मृत्यु की समस्या के अनेक समाधान, और उन समाधानों में जिस व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो उस प्रकार का समाधान लेता है, उसके द्वारा उसको एक प्रकार का आश्वासन और संतोष प्राप्त होता है।